तो आज की हमारी क्लासेस में लुकअप मेथड हम कर रहे हैं, वी लुकअप एंड लुकअप मेथड की हमारी दूसरी क्लास है। तो पहले क्लास में हमने आपके क्वेश्चन दिया था कि हमने वी लुकअप और मैच के साथ लगाया था, तो हमने बोला था कि हेडिंग जब चेंज होगा तो आपका डेटा भी उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखा, एंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आ गया। अगर मैं यहाँ पे डेट डालूंगा तो फिर डेट आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि डेट को यहाँ मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ पे डेट आपका दिख रहा है, लेकिन जैसे क्वांटिटी हम करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा, फॉर्मेटिंग तो चेंज होगा नहीं, तो मुझे वापस इसको नॉर्मल फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेटिंग होता जाए, तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे और न्यू रूल्स में जाएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब जैसे कि राकेश जी ने बोला कि उन्होंने इफ लगाया, तो पहले बता दूं कि ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है, और इफ का काम क्या है, ट्रू एंड फॉल्स की रिजल्ट को कन्वर्ट करना किसी और रिजल्ट में। सो लॉजिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इफ नहीं लगना चाहिए। तो क्या करें, सिंपल सा हमें क्या करना था कि फॉर्मूला में जाके बोलना था कि अगर इसका हेडिंग अगर डेट होता है तो इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। समझ गए सर? राकेश जी? जी सर, समझ गया। अरे हमने इसको ओके कर दिया। अब इसमें क्या है, वन के आगे का डॉलर मैं नहीं डॉलर से दिक्कत है, डॉलर हटा दीजिए, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से मैं नीचे की तरफ पेंट कर दूंगा। अब मैं यहां पे अगर डेट दे के एंटर मारता हूं, यहां पे डेट आता है, और अगर मैंने क्वांटिटी डाल दिया तो वापस क्वांटिटी, राइट? सबको समझ में आ गया? साकेत जी, जय कुमार जी और बाकी लोग, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। चलिए, अब आगे चलते हैं। अभी जैसे आपके सामने डेटा है, और इसी डेटा को मैं कहीं और ले आता हूं, और एक छोटा सा इसमें चेंजिंग हमारा हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा चेंजिंग है कि जो हमारी आईडी है, ये आईडी को मैंने यहां सेंटर में डाल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, नेम चाहिए, या फिर इंडस्ट्री चाहिए, नेम ही चाहिए, तो वी लुकअप नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो इसमें एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप आपके पास अगर है तो वी लुकअप की कोई जरूरत नहीं है, ना मैच की जरूरत है, ना इंडेक्स की जरूरत है, बात समझे? लेकिन आप लोगों के पास, किसी के पास ऑफिस 365 तो होगा नहीं, सो यहां पे मुझे ट्रेडिशनल ही चलना पड़ेगा। कैसे करें, यहां पे देखिए इसके कई फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैच के फॉर्मूले से मैं पता करूंगा कि जो 12 नंबर है इसका रो सीक्वेंस नंबर क्या है। ये बता दिया कि 13, मतलब कि यहाँ 13 काउंट अगर करेंगे तो यहाँ 13 पे 12 आ रहा है। अब इसके पास मेरे पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि पूरा का पूरा रेंज आप दे दीजिए, और रेंज देने के बाद इसमें बताइए कि कौन सा नंबर रो, हमने बोला 12 नंबर रो और हमने बोला एक नंबर कॉलम, 12 नंबर रो नहीं, 13 नंबर ना होगा, मैच का रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट आ गया कस्टमर 12। तो यहां पे आप जैसे डालेंगे तो अब ये वी लुकअप की तरह वर्क कर रहा है ना सर? अब इस मैच फॉर्मूले को उठाइए और इंडेक्स के अंदर डाल दीजिए।
इस मैच फॉर्मूले को इंडेक्स के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, हो गया सर? जय कुमार जी, राहुल जी, राकेश जी, संतोष जी, विक्की जी, कोई डाउट इसमें मैच इंडेक्स के फॉर्मूले में? नहीं सर। लेकिन इसमें इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है? इंडेक्स में प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। कल के डेट में डेटा अगर आगे बढ़ता है या नीचे बढ़ता है तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना सर, मैच को इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मैच के जगह पे एक ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, नहीं इसको नहीं, ऑफसेट में आपको देना होता है स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, कि आपका डेटा का स्टार्ट कहां पर है। तो स्टार्ट हमारा A1 पे है, फिर बोला होता है कि नंबर ऑफ रो कितने, रो कौन से रो में, तो ये रहा। लेकिन इसमें क्या है कि मैच की तरह एक काउंट जीरो से वन से नहीं करता, ये जीरो से करता है। अब जीरो से काउंट होने पर क्या होगा कि एक कम हो जाएगा, और इसी तरह से मुझे कॉलन है तो यहां पे जीरो कर दिया। ध्यान से देखिए ऑफसेट के फॉर्मूले को, तो ऑफसेट में भी मैच की जरूरत है, लेकिन इंडेक्स से बेटर है। इंडेक्स से बेटर क्यों है कि इसे पूरा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दे दीजिए, वो काउंटिंग शुरू कर देगा। इसलिए क्या किया, यहां से काउंट शुरू किया कि 0 1 2 3 और ए यहां पे वो 13 पे आया और जीरो यहां पे हो गया। अगर 0 1 करूंगा तो 0 1 ये फाइनेंस देगा, और 3 करूंगा तो 0 1 3 यहां पे आपको ए नॉर्थ अमेरिका देगा। तो ये सिंपल सी बात समझिए ना, जो इंडेक्स में आप रो एंड कॉलम देते हैं ना, उससे कम, एक कम मैच में देना। ओके, तो ऑफसेट मैच समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो विक्की जी, हाँ जी सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो आप यहां पे हम एक्स लुकअप लगाएंगे। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारा 13 है और बोलता है लुकअप एरे, किस पे लुकअप करना है, तो हमने बोला इस आईडी पे लुकअप करना है, और रिटर्न एरे क्या रिटर्न करना है, तो मुझे इसमें से रिटर्न करना है। और यहां पे देखिए इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो क्या करना है, हमने बोला यहां पे कि यहां पे नॉट फाउंड कर देना। बस है, तो मैच इंडेक्स इफ एरर सबका काम करता है आपका एक्स लुकअप, समझ गया सर एक्स लुकअप को? ये आपका रिटर्न देना है, किस कॉलम में मैच करना है वो दे दीजिए, किस कॉलम का रिजल्ट चाहिए वो दीजिए, अगर रिजल्ट ना मिला तो क्या चाहिए, और यहाँ पे मैच मोड सर्च मोड भी है, ये हम आपको आगे बताएंगे एक्स लुकअप की क्लास में। फिलहाल मैंने समझा दिया कि इसको एक्स लुकअप से भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा डेटा जो है हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली हो, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली हो गया इस तरह से, पेस्ट स्पेशल ट्रांसफॉर्म। अब मान लीजिए मुझे 7 नंबर का चाहिए, तो यहां पे एच लुकअप चलेगा, एच लुकअप इसको सेलेक्ट कर दिया हमने, कॉमा टेबल एरे हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, और हमने बोला मुझे चाहिए क्वांटिटी मतलब चौथे नंबर रो का। तो यहाँ पे हमने एच लुकअप से लगा लिया, तो वी लुकअप वर्टिकली काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है, समझ गए सर?
राहुल जी,